एक चीज जो एक जो टॉपिक था थोड़ा सा बीच में ऐसा स्टक हो गया था, मैं बस उसी के बारे में थोड़ी सी आपसे डिस्कशन करनी थी। हेलो। हाँ जी लेट्स से जी हाँ जी सुहेल साहब, ईशा सर कंटिन्यू करें। अच्छा जी जी एक तो ये था कि हमने लिखा था, अगर अल्लाह के साथ हमने जल्ला जलालू लिखना हो तो हमने उसके लिए लिखना होता है एफ डी और एफ बी। तो जब आप एफ डी और एफ बी आप लिख लेंगे तो अब आपने प्रेस करना है ऑल्ट एक्स, तो आप देखिए इसके साथ जल्ला जलालू आ गया। और उसी तरह से जब मोहम्मद लिखेंगे तो इसके साथ लिखना है एफ डी एफ ए। जब एफ डी एफ ए लिख लेंगे ऑल्ट एक्स प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और चीज जो कि हम अक्सर यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो ये होता है कि हमारे पास नंबर लिखे होते हैं, हमने उसको वर्ड्स में चेंज करना है। मिसाल के तौर पर एक नंबर है मेरे पास 3452, अब मैंने इसको लिखना है 3452। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है हमें हेल्प करता है कि हम किस तरह से नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड्स में। तो उसको करने का तरीका ये है कि पहले आपने जो नंबर है उसको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे ये मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आपने प्रेस करना है Ctrl F9, तो ये उसी तरह से बन जाता है जैसे कि हमने फील्ड पहले की थी Ctrl F9 कर करके A is equal to sum above कर लिया था, sum left कर लिया था। ये जो नंबर है इसकी शुरू में आपने इक्वल का साइन डालना है और उसके बाद इसके लास्ट में आकर आपने बैकस्लैश प्रेस करना है और फिर एस्ट्रिक प्रेस करना है। ठीक है जी, नंबर वही है 3452, उसके बाद आपने बैक स्लैश और एस्ट्रिक प्रेस करना है। लेटर ऑन आपने लिखना है यहाँ पर कार्ड टेक्स्ट, CARDTEXT कार्ड टेक्स्ट। जब आप ये लिख लें तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें माउस के साथ और इसको कर दें जी अपडेट फील्ड। जो ये अपडेट फील्ड करेंगे देखें 3452 ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया। ठीक है जी, तो इस तरह से हम जो है ये नंबर कर लेते हैं। इसका एक दफा और मैं आपको डेमो करके दिखा दूं ताकि बात जो है आप लोग क्लियर हो जाए। हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये इसका A1 है, यहाँ पर कोई नंबर लिख देते हैं 6501 और यहाँ पर ये वाला काम करते हैं। जैसे कि ये एक ही रो है और दो कॉलम और एक ही रो है। ये 6501 जो लिखा हुआ है ये A1 में लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर करता हूँ जी Ctrl F9 इक्वल टू A1, ठीक है, बैक स्लैश और एस्ट्रिक के साथ कार्ड टेक्स्ट लिख देता हूँ। जब कार्ड टेक्स्ट लिख दिया तो मैं इस पे राइट क्लिक करके आता हूँ और इसमें कहता हूँ जी अपडेट कर दें और जो ही अपडेट फील्ड करता हूँ देखिये ये 6501 लिखा आ गया। मैं चेंज करता हूँ इसको और यहाँ पर आके दोबारा इसको अपडेट करता हूँ तो आप देखें 25,478। इसको और चेंज करते हैं जैसे 286, राइट क्लिक किया इस पे और इसको अपडेट किया तो देखें ये 286 आ गया। तो ये हमने एक अभी जो काम सीखा है उसमें ये है कि आप नंबर्स को किस तरह से टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, वर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसका तरीका बिल्कुल सिंपल है, Ctrl F9 प्रेस करें, इक्वल का साइन प्रेस करें, उसके बाद वो नंबर लिख दें। क्योंकि ये मैंने टेबल बना ली थी तो लिहाजा इसका एड्रेस मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। इसका एड्रेस A1 है। अगर मैं इस तरह 600 something like that राइट क्लिक करके इसको अपडेट करता हूँ तो आप देखेंगे 654,789। जितना मर्जी बड़ा होगा ये इसको करेगा, करना चाहिए। चेक कर लेते हैं जी, एक और राइट क्लिक करते हैं और अपडेट फील्ड करते हैं। अच्छा वो कह रहे थे जी ज्यादा ही बड़ा हो गया जी, मैं शायद इसकी कोई लिमिट इन्होंने रखी हुई है।
हो रहा है यार जी, मेरे ख्याल इसकी कोई लिमिट है, लेकिन इतने बड़ी हमें फिगर जरूरत नहीं पड़ती। 100,000 तक तो हो जाता है, 999,000 तक हो जाता है, अगर उससे 1,000,000 हो गए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता। 65,459, तो ये था हमारे पास इसमें सिंपल सा एक तरीका था। इसके लिए मैं आप लिख लीजिए कि एफ डी एफ बी, और उसके बाद आपने प्लस करना है, यानी कि प्रेस करना है ऑल्ट प्लस एक्स, और नीचे वाले के लिए एफ डी एफ ए, और इसके लिए फिर आपने ऑल्ट एक्स प्रेस करना है। तो ये इस तरह से आपको जो ये कैलकुलेट कर देगा। इट वॉज ऑल अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब हम बात शुरू करते हैं जी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये एक दफा काइंडली रिपीट कीजिएगा ये अल्लाह और मोहम्मद वाला। देखिए इसका सिंपल सा तरीका ये है, फर्ज करें मैंने अल्लाह लिखा है तो मैंने इसके बाद क्या करना है, स्पेस बार दिया, एफ डी एफ बी लिखना, ठीक है, एफ डी एफ बी, और ऑल्ट एक्स को प्रेस करना। ऑल्ट को होल्ड करके मैंने एक्स को प्रेस किया, देखिए इसने जल्ला जलाल हो कर दिया जी, राइट सर। इसके आगे मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको याद रहे एफ डी एफ ए, और जो ही मैं ऑल्ट एक्स प्रेस करता हूँ तो देखिये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर आपने इनका वो लिखना है नाम वर्ड ही अल्लाह लिखना है तो उसके उसका तरीका भी बड़ा सिंपल है। उसके लिए एफ डी एफ टू लिखेंगे हम, जैसे कि अल्लाह लिखना है तो एफ डी एफ टू करेंगे तो ऑल टेक्स्ट करेंगे तो अल्लाह लिखा जाएगा, और इसी तरह से अगर हम एफ डी एफ फोर करेंगे और ऑल टेक्स्ट करेंगे तो ये हमारे पास मोहम्मद लिखा जाएगा। तो इनका जो है एफ डी एफ टू है, एफ डी एफ टू, और ये नीचे वाले का एफ डी एफ फोर, और इनको व्यू करने के लिए ऑल टेक्स्ट को प्रेस करना होता है जब ये कंप्लीट कर ले उसके फौरन बाद। जी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए इसमें। सर थैंक यू वेरी मच, सर थैंक यू वेरी मच। और नीचे वाले के लिए ये है कि आपने जो भी फिगर लिखनी है, जो भी जैसे नंबर आपने लिख दिया है, उसको बैक स्लैश एस्ट्रिक और कार्ड टेक्स्ट, ये वो चीज है जो कि आपने ऐड करनी है, बाकी तमाम चीजें ऐसे चीजें हैं ये वाली बैक स्लैश। तो इसको कार्ड टेक्स्ट के साथ जो है ये करते। ये क्लियर हो गया जी, आगे चले जी हम। जी क्लियर है सर, आगे चले प्लीज। जी ठीक हो गया जी। पावर पॉइंट के ऊपर बात करते जी हम, ये भी एक्सपायर हो रहा है जी। मैं ब्लैक प्रेजेंटेशन जो है एक ओपन कर देता हूँ जी। अब बात शुरू करते हैं जी। पावर पॉइंट एक हमारे पास ऐसा टूल है जिसमें कि हम प्रेजेंटेशन वगैरह जो है वो डिजाइन करते हैं फॉर टू प्रेजेंट आवर प्रोजेक्ट, या कोई प्रोडक्ट हो या कोई इशू हो किसी भी चीज की बारे में, तो हम एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो ये टूल आपको हेल्प आउट करता है उसी तरह के काम करने के लिए। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके पास टॉपिक क्या है और आपने ये काम कैसे करना है। इसके कुछ मेन चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और जब हम उनके ऊपर बात करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि भी चीजें जो है बहुत इजी हैं, लेकिन इसके ऊपर जो ज्यादा काम करने वाला है तो वो है आपने जो राइटअप और जो आपके पास इमेजेस हैं या वीडियोस हैं या इनके जो टोटल मटेरियल है उसको कैसे आपने हैंडल करना है। अगर वो मटेरियल आपके पास आ जाता है तो सब चीजें जो है वो इजीली हो जाती है। इसको शुरू करने से पहले मैं बताता चलूं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेजेस होते हैं, मल्टीपल पेजेस होते हैं एक डॉक्यूमेंट में, इसी तरह से ये प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड्स होती हैं, और स्लाइड्स के बेसिकली डिफरेंट फॉर्मेट डिफरेंट लेआउट्स होते हैं। अगर आप उनको डिजाइन करना सीख लेंगे तो प्रेजेंटेशन को डिजाइन करने में कोई मसला नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पर लेआउट में आता हूँ तो ये लेआउट जो है ये मुझे जो है तकरीबन 6 डिजाइन दिखा रहा है,
ठीक है, ये टाइटल स्लाइड है, ये टाइटल एंड कंटेंट है, ये सेक्शन हेडर है, इसी तरह से बाकी चीजें और है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई सी भी प्रेजेंटेशन आप जब भी एक्सेस करते हैं, उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं या उसको डिजाइन करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, तो सारा का सारा काम जो है वो लेआउट के ऊपर होता है। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है, तमाम की तमाम स्लाइड्स जो हैं वो लेआउट को देखकर ही क्या नाम है उसको डिजाइन करती है। हम इसके ऊपर जो है काम करते हैं, एक सैंपल प्रेजेंटेशन जो है वो उठा लेते हैं ताकि हमें जो है वो इस पे वर्कआउट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जाम्पल हमने ये मैंने ये सब क्लिक किया है, जी प्रेजेंटेशन टाइटल है ये, मैं एक सैंपल उठाने लगा हूं, तो ये मेरे पास एक प्रेजेंटेशन आ गई है, ठीक है जी। और जब भी मैंने इसको रन कर, प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड्स हैं, जैसे अभी आप देखें हमारे पास ये काफी ज्यादा स्लाइड्स आपको नजर आ रही हैं, ये मैंने इंटरनेट से एज इट इज उठा ली है, टेम्पलेट है इसका, और आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं जब भी आप चाहें, कहां से भी चाहें, दिस इज फॉर यू। लेकिन एक इसमें जो चीज देखने वाली है वो ये है कि ये जो स्लाइड आपके पास सेंटर में आ रही है और ये उसके जो थंबनेल्स आ रहे हैं, दरअसल ये सारे के सारे बेस किया कर रहे हैं इसके लेआउट के ऊपर। मैं इसे क्लिक करता हूं तो देखिए इसने इसके सारे के सारे लेआउट डिजाइन, एक्सक्यूज मी इसके सब हमारे पे वो शो नहीं हो रहा, डिस्प्ले नहीं हो रहा आपकी मशीन। सॉरी सॉरी, मैंने उसको शेयर करना था, वो शेयर करना मैं भूल गया, शेयर नहीं हो रही। ठीक है, फाइल मैंने क्लिक किया और फन वेकेशन प्रेजेंटेशन जो है इसको मैंने जो है क्लिक करके इसको क्रिएट कर लिया। ये इंटरनेट से कनेक्ट जब आप होते हैं तो आपको डायरेक्ट ये मिल जाती है। अच्छा जी, ये मेरे पास प्रेजेंटेशन है और मैं काफी देर से बोल रहा हूँ लेकिन किसी ने बताया नहीं कि भी वो मैं डिफरेंट विंडोज शेयर करना भूल गया था। एनीवेज, आपने देखें ये मेरे पास जो प्रेजेंटेशन है, ये लेफ्ट साइड पर स्लाइड है आपके पास चलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और मैं अगर F5 प्रेस करता हूं यहाँ पर तो ये प्रेजेंटेशन जो है वो कुछ इस तरह से चल रही है। जो चीज इसमें बताने वाली है वो ये है कि जब भी आप इसमें काम करेंगे, प्रेजेंटेशंस को बनाएंगे, तो आपने जो बेसिकली काम करना होता है वो इसके लेआउट स्लाइड्स के ऊपर करना होता है। और हम वो स्लाइड मास्टर कैसे उठाते हैं, ये सब का काम कैसे करते हैं, दरअसल उसके ऊपर अगर आपने काम कर लिया तो समझे आपने सब पे काम कर लिया। अगर आप होम पे जाएं तो यहाँ पर लेआउट आपको नजर आ रहे हैं, आप इसे क्लिक करें तो देखिए ये टोटल लेआउट्स इन्होंने बनाए 4, 8, 12, 16 और 3, 19 19 लेआउट इन्होंने बनाए हैं, लेकिन टोटल स्लाइड्स जो बनी है वो बनी है 11। इट मींस के इन्होंने अभी भी प्रोविजन रखी है कि कोई चीज अगर मिस हो गई है तो आप इसमें से कोई सी भी एक स्लाइड उठा लें और उसके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म करें और ये काम करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ से बात शुरू करते हैं हम। ये मेरे पास प्रेजेंटेशन है, इसमें डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है ना हमने बात करनी है। एक तो ये कि ऑब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन जो आपकी स्लाइड के ऊपर है इसको हम बोलते हैं कस्टम एनिमेशन या एनिमेशन। ये ऑब्जेक्ट जो है ये टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, कोई शेप हो सकती है या कोई वीडियो हो सकती है, इसकी जो अपीयरेंस होगी इसको हम बोलते हैं एनिमेशन। एनिमेशन कैसे चलेगी, और जब एक स्लाइड के बाद मैं दूसरी स्लाइड ये दिखाता हूं तो ये जो स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। अगर ये दो चीजें आपको समझ में आ गई और तीसरा हमारे पास जो है इसके लेआउट की डिजाइनिंग मास्टर स्लाइड्स के, तो समझे कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को बहुत इजीली जो है लर्न कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं। इसमें मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की सिर्फ बात की जाए, वर्ड एक्सेल तो वैसे भी काफी आगे चले जाती हैं चीजें और इसके ऊपर काम बहुत ज्यादा है। बेशुमार लोग इंटरनेट के ऊपर बैठकर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो है लोगों के लिए प्रेजेंटेशंस बनाकर जो है वो अच्छा खासा रेवेन्यू इकट्ठा कर लेते हैं अपने स्पेयर टाइम में। Instead of that, ये वो इधर उधर मोबाइल पे टाइम जाया करें, वो डिफरेंट किस्म की इसकी डिजाइन जो है उनको ऊपर काम करते हैं, लोगों को प्रोफेशनल लेवल की स्लाइड डिजाइन करके देते हैं। और चूंकि जो डिफरेंट किस्म के प्रोफेशनल्स होते हैं वो कहते हैं कि हम इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे, हम एक्चुअली टाइम जिस चीज़ के हम काम करते हैं, जो प्रोजेक्ट कोई प्रोडक्ट हमने बनाई हम उसको रिफाइन करेंगे, ये वाला काम जो है हम इसके अपने प्रोफेशनल से करवा लेते हैं। तो ये वाला काम जो है करना बहुत आसान है अगर आप इसको सीख लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर मिलियंस ऑफ मिलियंस प्रेजेंटेशंस बनी हुई है।
लेकिन उसको इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर लिखा है यहाँ पर डिवाइडर स्लाइड और नीचे लिखा है लॉरम लिप्सम, तो आपने इसके लिए टेक्स्ट यूज करना है, आपने इसके लिए हेडर यूज करना है, आपके ने इसके लिए एक स्लोगन या टाइटल, ये सब चीजें जो है आपने सेलेक्ट करके इसको देनी है और ये चीज जो है ये प्रॉपरली आप आगे लोगों को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास मेन स्लाइड है, वेरी फर्स्ट स्लाइड, मैं इसको F5 प्रेस जब करता हूँ, F5 करता हूँ तो आप देखें कि ये एग्जैक्टली एज इट इज डिस्प्ले हो जाती है। मैं इसके चेंज करता हूँ, लिखता हूँ जी टूर टू पाकिस्तान, ठीक है, और यहाँ नीचे लिख देते हैं जी वेलकम, पाकिस्तान, और नीचे यहाँ पर 2023 कर देता हूँ। ये मैंने इसको सिर्फ टेक्स्ट चेंज किया है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब इसके ऊपर एनिमेशन मैंने कैसे लगानी है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, वो क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर क्लिक करता हूँ स्लाइड के ऊपर, तो आप स्लाइड के बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर तो आपने इस तरह से कलर चेंज किया तो जितनी भी स्लाइड्स होंगी इस तरह की उनका इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, वो सिर्फ आइसोलेटेडली इंडिविजुअली जो है इसी के ऊपर इम्पैक्ट होगा। और अगर मैंने जाकर यहाँ पर इसकी व्यू में जाकर स्लाइड मास्टर पे चला जाता हूँ, यहाँ पर स्लाइड मास्टर है हमारे पास, और अगर मैंने जाकर यहाँ पर इनका कलर चेंज किया तो वो जितनी भी वेबसाइट जितनी भी स्लाइड्स होंगी सब के ऊपर हो जाएगा। अगर आप देखें ये मेरे पास मेन स्लाइड है, ठीक है, इसके अलावा इसके ऊपर माउस लेकर आता हूँ तो इसका नाम बताता है सेक्शन हेडर विद द इमेज लेआउट, और फिर यह है सब टाइटल कॉन्टेंट, इसके बाद है जी कॉन्टेंट स्लाइड लेआउट, क्योंकि ये उनके नाम जो है यहाँ पर वो बताए जा रहे हैं कि इन स्लाइड्स को हम किस तरह से करते हैं। मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब मैं इसके ऊपर जो है कोई वर्कआउट करता हूँ कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा, नीचे ये एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये वाला नहीं, ये वेबसाइट का, इसके ऊपर ये वाला ऑब्जेक्ट है। अब मैं अगर इसकी स्लाइड की एनिमेशन करना चाहता हूँ तो इस पर राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ पर मैंने इसको एनिमेट करता हूँ जी, ये एनिमेशन है, और फ्लाई इन कर देता हूँ कि ये फ्लाई करके आएगा, दरअसल ये सही जगह से नहीं आ रहा, मैं इसको राइट टॉप से लेकर आता हूँ यहाँ से, ये ठीक है, राइट टॉप से ये ऑब्जेक्ट आएगा। मैं F5 प्रेस करता हूँ अभी यहाँ पर दोबारा से, जो ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देखें ये ऑब्जेक्ट इस तरफ से आ गया, ये हमारे पास है एनिमेशन। ये किसी ऑब्जेक्ट की भी हो सकती है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मैं इसको भी फ्लाई इन कर सकता हूँ फ्रॉम लेफ्ट, कि ये लेफ्ट से आ जाए, और उसी तरह से मैं जब इसके ऊपर आता हूँ और इसके ऊपर भी मैं फ्लाई इन कर सकता हूँ जी, और इसको भी मैं कहता हूँ जी फ्रॉम बॉटम, बॉटम से आ जाए। अब मैं जब F5 प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये काम किस तरह से होता है, ये ऑब्जेक्ट आया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये इसको बोलते हैं हम कस्टम एनिमेशन। और जब एक एनिमेशन के बाद दूसरी स्लाइड का अपीयरेंस होता है हम उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। अब बात करते हैं हम ट्रांजिशन के ऊपर ताकि आपको थोड़ी दोनों बातें क्लियर हो जाए, तो फिर मैं इंडिविजुअल इसके ऊपर वर्कआउट करता हूं। फोर पीपल वेटिंग, ट्रांजिशन के लिए जरूरी है कि आप क्या करें कि सारी की सारी जो स्लाइड्स हैं इनको सिलेक्ट कर लें। मैंने कंट्रोल ए किया यहां पर आकर, और यहां पर आकर ट्रांजिशन में मैं से कहता हूं कि मुझे सारी की सारी स्लाइड्स जो हैं वो कुछ इस तरह से दिखा दें कि वो स्प्लिट होती हुई नजर आए। और यहां पर आकर जब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया उसके बाद मैं इसको अप्लाई ऑल कर देता हूँ, राइट क्लिक करके भी अप्लाई ऑल कर सकता हूँ जी, यहां से भी अप्लाई ऑल कर देता हूँ। अब मैं जब F5 प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये सारी की सारी स्लाइड ये एक ओपन हो रही है, उसके बाद ये दूसरी, तीसरी,
ये इसकी डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। हम इसमें ये करते हैं कि इसे क्लिक करते हैं, ये जितने भी फॉर्मेट है सबको उठा लेते हैं और उसके लिए हम यूज करते हैं ये रैंडम। मैंने रैंडम को क्लिक कर दिया, अब ये सब के ऊपर अप्लाई हो गई। जब अप्लाई हो गई मैंने F5 प्रेस किया तो अब आप देखेंगे कि ये पहले इस तरह से है, ये सेकंड का जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन का मतलब आप अंडरस्टैंड कर देना चाहिए कि ये वो ट्रांजिशन है, इसका मतलब कि एक स्लाइड के बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है उसने कैसे अपीयर होना है, और सारी की सारी स्लाइड ट्रांजिशन जो है वो रैंडमली उसके इफेक्ट्स जो है इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं और ट्रांजिशन जो है वो आपको नजर आ रही है। ठीक है जी, ये इसको मैंने रैंडमली कर लिया था इसलिए आपके पास ये इस तरह से आ रही है। हम इसको बोलते हैं जी ट्रांजिशन। आप ट्रांजिशन को चेंज भी कर सकते हैं या फिर आप कोई स्पेसिफिक ट्रांजिशन भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मुझे ये वाली ट्रांजिशन जो है रैंडम बार जो है ये सबके ऊपर अप्लाई होनी चाहिए। अब आपके पास जो है वो सबके ऊपर एक ही होगी, ये आ गई। अब हम देखें सारी की सारी ट्रांजिशंस जो है वो सेम होगी, जो भी आपको पसंद हो या जो ट्रांजिशन आपकी प्रेजेंटेशन को सूट कर रही हो आप वो वाली जो है यूज कर लें, उसको अप्लाई कर लें एंड दैट्स इट। जी इस तरह से हम जो है इसकी ट्रांजिशंस जो है इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। अब हम इसके फॉर्मेटिंग के ऊपर चलते हैं कि हम इसको फॉर्मेट कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा जी इसकी स्लाइड की फॉर्मेशन के ऊपर। ये मैंने इसे क्लिक किया, इस स्लाइड को फॉर्मेट करना है। अगर आप देखें मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया है और ये बैकग्राउंड है आपके पास, ये फॉर्मेट बैकग्राउंड। इस बैकग्राउंड के ऊपर फॉर्मेट आप कर सकते हैं, आप देखें ये ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये नीचे ग्रेडियंट आ रहा है। पिक्चर और टेक्सचर्स है उसको आप कर सकते हैं, पिक्चर और टेक्सचर इसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पैटर्न फिल कर सकते हैं, इसके अलावा कोई ग्राफिक्स जो है कहीं से उठा सकते हैं वो यूज कर सकते हैं। अगर पिक्चर को फिल करना है तो आप पिक्चर को भी फिल कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा और पिक्चर का नाम देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कहता हूँ जी लैंडस्केप। अगर लैंडस्केप कहता हूँ तो लैंडस्केप कोई पिक्चर्स जो है वो उठा के ले आएगा और उसको मैं अप्लाई करूंगा तो वो उसके साथ ऑटोमेटिकली ये इंसर्ट कर देगा। ये मैंने इसे इंसर्ट किया है, आप देखेंगे कि इसके बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो अभी वो अप्लाई हो जाएगा। समटाइम ये होता है कि ये पिक्चर जो जी क्या बोला जी क्या कुछ कह रहे थे, कुछ किसी पार्टिसिपेंट की आवाज आई थी जी। चले जी, अच्छा इसमें पिक्चर आई नहीं। समटाइम ये होता है पिक्चर जो होती है वो प्रोटेक्टेड होती है, वो शेयर नहीं करवाते। हम कुछ और कर देते जी। चलिए ये इंसर्ट करके देखते हैं जी। ये पिक्चर भी नहीं आएगी। आ जानी चाहिए वैसे, अभी पिक्चर इतना मसला तो नहीं है लेकिन समटाइम पिक्चर्स जो है अवेलेबल। अच्छा इसका फिर दूसरा तरीका ये है कि आप जो पिक्चर डाउनलोड कर लें और फिर उस सिस्टम से जो है उसको अपलोड कर लें। मैं पिक्चर जो है वो डाउनलोड करता हूँ जी, शेयर में करवा देता हूँ। एक वेबसाइट है जी पिक्सल, ये पिक्सल आपके पास एक वेबसाइट है, आप यहाँ से कोई भी पिक्चर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जब वो डाउनलोड कर लेंगे फिर आप उसको अपने सिस्टम में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पिक्सल एक वेबसाइट है, इसको मैं लोड कर रहा हूँ जी। थोड़ा सा लगता है इंटरनेट भी स्लो चल रहा है जी।
ये मैं कुछ पिक्चर डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद इंटरनेट थोड़ा स्लो है। लेकिन अभी हो जाती है डाउनलोड। ये लगता है ये स्क्रीन ही बैठ गई है। जी मैं यहां से दोबारा से इंसर्ट करता हूं जी, सिस्टम से फ्रॉम फाइल एंड इंटरनेट से डाउनलोड होते हुए प्रॉब्लम रह रही है कुछ। डेस्कटॉप आ गया और यहां से मैंने लैंडस्केप को जी एक्चुअली ये जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है वेब स्लाइड जो है, इस पे जो है ना इमेज हम जो है कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे जो मेरे पास इस वक्त पड़े वो इमेज जो है वो एक्सेस नहीं हो रहा है। मैं इसको दोबारा से देख लेता हूँ जी, अप्लाई इमेज है और इंसर्ट कर लेता हूँ जी मैं और ब्राउज। डेस्कटॉप है, इसके बाद
नहीं हो। ये मैंने एक पिक्चर डाउनलोड की थी जी, और उसको मैंने बैकग्राउंड पे ले आया हूँ, और ये बैकग्राउंड पे आपको पिक्चर नजर आ रही है। हम इस तरह से बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर सकते हैं किसी पिक्चर के साथ, किसी कलर के साथ, या किसी भी किस्म के पैटर्न के साथ। अगर तो आपके पास जो पिक्चर है वो डार्क है और लाइट नहीं है, तो उसका तरीका ये है कि आप इसकी जो ट्रांसपेरेंसी जो है वो इसे कम कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी को अगर आप बढ़ाना शुरू कर देंगे, देखिए ये लाइट होती जाएगी। अब ये जो पिक्चर है आपके पास है तो नजर आ रही है, लेकिन ट्रांसपेरेंट है, बैकग्राउंड से जो है वो व्हाइट को पिक कर रही है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे लाइट नजर आ रही है। और अगर आपने यहाँ पर कोई ग्रेडियंट को फिल करना है तो आप ग्रेडियंट को भी फिल कर सकते हैं। ये मेरे पास डिफरेंट किस्म के ग्रेडियंट है। और अगर कोई पैटर्न को फिल करना है, ये पैटर्न को भी आप फिल कर सकते हैं। जैसे ये अभी आप देख रहे हैं कि मैं डिफरेंट किस्म के पैटर्न को क्लिक कर रहा हूँ, ये पैटर्न इसके ऊपर आ रहे हैं। इस तरह से हम कोई भी बैकग्राउंड जो है वो कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। सॉलिड के साथ भी आप कर सकते हैं, सॉलिड में आप कोई भी कलर आप दे दें। ये तमाम आपके पास कलर्स हैं, येलो, वाइट, ब्लैक, जो भी आप कोई सा भी कलर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है इसकी बैकग्राउंड जो है वो ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड जो है उसको क्या कहते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड को फॉर्मेट करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि ये वाली बैकग्राउंड जो है वो हर जगह पर अप्लाई हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर एक नई शीट, ये नई स्लाइड जो है वो इंसर्ट करता हूँ कंट्रोल एम प्रेस करके, एम फॉर माउस को। ये अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक नई शीट आ गई है, लेकिन यहाँ पर ये जो आई है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आया है। अगर मैंने इसको चेंज करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, होम पे जाके लेआउट में जाकर इसका फॉर्मेट यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए ब्लैंक, तो वो ब्लैंक को जो ही मैं अप्लाई करूंगा तो ये ब्लैंक इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे ये ऊपर वाली जैसे ये टूर टू पाकिस्तान का था, उसे क्लिक करना पड़ेगा अगर टाइटल को, तो ये टाइटल है मेरे पास, ये क्लिक किया, देखिए ये टाइटल आ गया है। आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो कॉल कर सकते हैं जैसे भी आपको जरूरत हो, और ये बाकी चीजें वही हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको मास्टर स्लाइड पे आकर इसका डिजाइन चेंज करूंगा तो वो अप्लाई सब पे हो जाएगा, और अगर मैं यहीं पर चेंज करूंगा तो वो अप्लाई सिर्फ इसी के ऊपर होगा। फॉर एग्जांपल मैं तो यहाँ पर लिखता हूँ जी विजिट टू पंजाब, यहाँ भी लिख देता हूँ जी वेलकम ही लिख देता हूँ जी। ये मेरे पास दोनों स्लाइड्स जो हैं, ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड जो है ये एक ही टाइप की है। इसको हम फॉर्मेट मास्टर स्लाइड मास्टर से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसका तरीका बिल्कुल वही है कि जब आप स्लाइड मास्टर में जाना है तो सबसे पहले व्यू में जाना है और यहाँ से आपने स्लाइड मास्टर में आना है। जब आप स्लाइड मास्टर में आ जाएंगे, स्लाइड मास्टर में आकर आपने इसे क्लिक किया, अब जो चीज आप इसके ऊपर करेंगे ये दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ शेप्स में जाता हूँ और यहाँ पर एक शेप जो है वो इंसर्ट कर लेता हूँ, से ये स्माइली फेस कर लेता हूँ और इसको इसके साथ ही लगा लेता हूँ जी स्माइली फेस को। अब ये जो मैंने यहाँ पर किया है इसको मैं सेव करता हूँ और इसे क्लोज करता हूँ पाकिस्तान। अब मैं जब इसको क्लोज करूंगा, मैंने इसके मास्टर पे एक जगह पे किया है, मैं जब क्लोज करके आऊंगा तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी आ गया। और आप इसको यहाँ पर आके इसको टच नहीं कर सकते, आप इसको छेड़ नहीं सकते, क्योंकि ये मेन टेम्पलेट के ऊपर इस वक्त पड़ा हुआ है। आपने विजिट टू पंजाब किया है या फिर आप ये टॉप पर जाते हैं सबसे पहले वाला, आप देखेंगे यहाँ पे भी ये एज इट इज पड़ा हुआ है। तो ये वो तरीका है कि जिसके थ्रू हम जो है ये काम करते हैं। बाकी हमारे पास एक जो इसमें प्लस पॉइंट है वो ये है कि हम इस पे जब काम कर रहे हो तो हम इस पे ऑनलाइन जो है
तो एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आपने कभी देखा हो कि ट्रांजिशन वगैरह काम कर, आप किसी जगह पर जाएं, वहां पर एक प्रेजेंटेशन चल रही होती है और कंटिन्यूसली वो चल रही होती तो वो पावर पॉइंट है लेकिन वो नॉन स्टॉप चल रही होती, उसके फीचर्स भी जो है वो इसी में है कि आपने उसको लूप अंटिल स्केप, जब तक आप उसको रोकेंगे नहीं उतनी देर तक जो ये स्लाइड है ये चलती रहेगी। जब हम इस पर काम करते हैं तो इसमें दो तीन चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, वो यहाँ पर ये कि अगर आप देखें यहाँ पर है स्लाइड सॉर्टर व्यू, ये स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है ये दरअसल आपको बताता है कि भाई आपने स्लाइड्स को अगर सॉर्ट करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने स्लाइड सॉर्टर व्यू को यहाँ पर क्लिक कर लिया और आपने इसका व्यू थोड़ा और छोटा कर लिया। व्यू छोटा करने के बाद अब आपको ऐसे लग रहा है कि ये मेरे पास डिफरेंट स्लाइड्स हैं, ये ऑलरेडी काम हो चुका है जिसमें सबसे पहले डिवाइड स्लाइड आ रहा है, फिर टेक्स्ट आ रहा है, फिर कंपैरिजन आ रहा है, फिर चार्ट आ रहा है, फिर टेबल आ रहा है। तो अगर आपने इसका कहीं स्लाइड सॉर्टर व्यू में आके आपने इसका कहीं व्यू चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, आपने स्लाइड को पकड़ना है और पकड़ कर लाकर इसको वहां पर छोड़ देना है जहां पर आप इसको चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे छोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे छोड़ दिया। इसका तरीका ये होता है कि आप कहते हैं जी पहले मैंने ये वाली स्लाइड जो है ये एक्सप्लेन की, उसके बाद ये वाली एक्सप्लेन की, उसके बाद ये वाली एक्सप्लेन की, इसके बाद मुझे जो है ये चार्ट दिखाना है, तो आप चार्ट को उठाकर जो है ना इसके बाद में ले आए। तो आप स्लाइड सॉर्टर व्यू के थ्रू इसको व्यू चेंज करेंगे, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे ताकि ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन आपको ये प्रॉब्लम ना हो, एक जो फ्लो बना होगा जो प्रोजेक्ट या जो प्रोडक्ट आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं वो जो है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। तो हमें स्लाइड सॉर्टर व्यू का भी हमें पता होना चाहिए कि हम ये किस तरह से इस पर काम करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास एक चीज है वो है कि आप इसने इसके नोट्स वगैरह जो है वो किस तरह से बनाने। नोट्स का मतलब ये है कि जब आप इसको प्रिंट करेंगे कंट्रोल पी तो ये हमारे पास बिल्कुल इस तरह से आ जाता है प्रिंट प्रीव्यू पे। तो हम अक्सर ये काम करते हैं कि ये जो प्रेजेंटेशन जब हमने अप्लाई कर देनी होती है तो हम प्रेजेंटेशन का मटेरियल जो है वो ऑडियंस को देते हैं कि ऑडियंस जो है वो उसको देखे और उसके ऊपर देखे। समटाइम ये है कि ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी दूर दूर तक बैठी होती है, उसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते या डिस्टर्ब तो छोड़ें उनको प्रॉपर स्लाइड जो है उसको व्यू नहीं होता और रीडेबिलिटी नहीं हो रही होती। तो फिर उनके लिए ये होता है कि पावर पॉइंट में हम उनके लिए प्रिंट आउट ऐसा निकालते हैं ताकि वो अपने हाथ में रख लें अपने लैप में अपने के टेबल पे और वो वहां से भी पढ़ते रहें। और उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि जब भी आप ये काम करें तो जो ऑडियंस है वो उसके ऊपर नोट्स बनाती रहे। मिसाल के तौर पर अगर ये मेरे पास एक स्लाइड है या ये मेरे पास एक स्लाइड है, मैं इसे कंट्रोल पी करता हूँ तो जब ये कंट्रोल पी मैंने किया तो पता चला कि भी इसके रिलेटेड जो मेरा ऑडियंस है उसने क्वेश्चन पूछना है। तो ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछते, उसके लिए होता है ये कि आप जो है उनको ये पेपर देते हैं, आधे पेज के ऊपर प्रिंटिंग होती है, नीचे आप उसको कर लेते हैं। इसे करना किस तरह से, मिसाल के तौर पर जब देखें तमाम स्लाइड्स हैं ये इस तरह से आ रहे हैं आपके पास। मैं अभी आपको ये मेरे पास टू स्लाइड्स जो है इस तरह से है, जैसे ये दो स्लाइड्स आपके पास आ रही है, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन होती है वो थ्री स्लाइड्स की भी होती है और ये है नोट्स टू पेज। बस कह रहे हैं आपके पास 11 पेजेस हैं या 20 पेजेस हैं, तो 20 पेजेस जो है वो प्रिंट आउट होंगे तो ऑडियंस जो होंगी उनके पास ये पेज पड़ा होगा, वो अपने पास जो पेज पड़ा होगा उस पे देख भी रहे होंगे और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो नीचे उसके नोट्स बना रहे होंगे अपने रेफरेंस के लिए या फिर सेशन के एंड होने पर आपसे क्वेश्चन पूछने के। तो वो ये दोनों तरह से जो है इसको देख सकते हैं। इसी तरह से आप नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे, उन्होंने ये वाली स्लाइड देखी, क्योंकि जो प्रोजेक्टर होता है वो काफी डिस्टेंस पे होता है, हर एक के लिए वहां से उसको व्यू करना वहां से रीड करना पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा हम क्या करते हैं ये स्लाइड नोट्स पेजेस जो है यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये नोट्स पेजेस जो है ये उनको देते हैं। और समटाइम अगर इसकी जरूरत ना हो तो हम इसकी आउटलाइन बना के दे देते हैं। आउटलाइन में ये सारे के सारे टेक्स्ट लिखा हुआ है
कि उन सबको पता है कि जी टोटल टेक्स्ट जो आपकी स्लाइड्स पे है, स्लाइड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, उसमें एक्चुअली टेक्स्ट क्या लिखा है। तो इस सूरत में आपका सिर्फ टेक्स्ट चला जाता है, लेकिन अगर आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स में जो है आपकी इमेज कंप्लीट जाएगी और इसके नीचे जो है लोग खुद ब खुद भी लिख सकते हैं। दिस इज अप टू यू कि आपने ये प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंट करनी है वो किस तरह से डिजाइन करनी है। लोगों को इस चीजों का आमतौर पर नहीं पता होता कि हमने जो ऑडियंस के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, वो सिर्फ एक यूएसबी लाते हैं और उस यूएसबी को कंप्यूटर में इंजेक्ट करते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। ये नहीं पता चलता कि भी मेरे पास कोई चीज चाहिए तो इसलिए वो ये प्रिंटआउट नहीं लेकर आते और एज इट इज वो जो है काम कंप्लीट किए या इनकम्प्लीट किए जो है वो मूव ऑन कर देते हैं। एक और चीज जो कि हम यहाँ पर ये स्लाइड सॉर्टर व्यू आपके पास आ गया, हमने इससे सॉर्टिंग कैसे करनी है। एक और चीज जो कि हम करते हैं जब हम इसमें इसका इसे बोलते हैं स्लाइड शो चला रहे होते हैं, मैं फर्ज करें ये स्लाइड शो इसका चलाता हूँ जी, F5 प्रेस किया मैंने, ये स्लाइड शो इसका चल गया है। तो अब ये चलता जा रहा है, अगर मुझे यहाँ पर किसी भी चीज को हाईलाइट करना है, इसके बारे में बताना है, तो इसका तरीका भी यहाँ अवेलेबल है। यहाँ पर हमने क्या करना है, माउस यहाँ पे लेके जाना है, यहाँ से राइट क्लिक करना है और यहाँ से एक अदद जो है वो पॉइंटर उठा लेना है, ये पॉइंटर ऑप्शन। तो आपने यहाँ से पॉइंटर उठा लिया और पॉइंटर उठाने के बाद आप उसको बता सकते हैं कि जी व्हाट इज दिस, ये देखें मैंने इस तरह से हाईलाइट कर दिया कि ये क्या है। उसके बाद मैंने कोई और चीज बतानी है, मैंने इसको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, इसके बाद मैंने इसको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। तो यानी कि आप अगर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। आप नेक्स्ट पे चलेंगे, आप इसके ऊपर कोई भी कोई चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं आप उसको हाईलाइट कर देंगे कि मैं वैसे ही क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, तीसरी चौथी पांचवी यहाँ पर आगे, तो आप यहाँ पर भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन अगर देना चाहते हैं तो आप क्लिक करके उनको बता सकते हैं ये वाला कौन, इसका मतलब क्या, ये हाल तो यहाँ लिखा हुआ है ये कौन सी कैटेगरी होगी, कुछ भी होगा। तो आप ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन जब ये लाइव शो चल रहा होता है आप उसमें भी इस चीज को अपडेट कर सकते हैं। और जो ये आपके पास ये खत्म हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट है मेरा, तो जो ही हम यहाँ से निकलेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि ये जो आपने एनोटेशन, ये जो निशान इसके ऊपर लगाए थे, आपने इसको रखने हैं या नहीं रखने हैं। अगर रखने हैं तो आप इसको कीप कर लें, और अगर आप इसको डिस्कार्ड करेंगे तो ये एज इट इज जो स्लाइड्स होंगे वो साफ सुथरी विदाउट एनी एनोटेशन है। मैं इसको रख लेता हूँ, कीप करता हूँ। जो ही मैं इसको कीप करता हूँ तो अब आप देखें कि ये वाली जो स्लाइड थी इसके ऊपर अब ये वाली चीजें आ रही। आप इसको बाद में डिलीट भी कर सकते हैं, क्लिक करके आप इसको यहाँ से डिलीट कर लें, आप इसे क्लिक करें, इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, दिस इज अप टू यू। तो स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान आप ये काम जो है बड़े आसानी से कर सकते हैं ताकि लोग जो है इस चीज को अंडरस्टैंड करें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमें अक्सर यूज करनी पड़ जाती है अपना काम करते हुए, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक स्लाइड यहाँ पर इंसर्ट की थी, वो थी आपके पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स। हमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करना नहीं आता है, इंसर्ट में जाते हैं आप तो ये स्मार्ट आर्ट है आपके पास, आप स्मार्ट आर्ट को जो है इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि आपको इतना पता नहीं होता। हालांकि होता यह है कि जो बेहतर प्रेजेंटर होता है उसके लिए जरूरी है कि वो हर चीज को पिक्चर फॉर्म में या किसी एनिमेशन फॉर्म में या किसी वीडियो के फॉर्म में एक्सप्लेन करे। वो जितना कम बोलेगा वो उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा ताकि लोगों को वो चीजें सुनवाए ना बल्कि उसको अंडरस्टैंड करवाए कि ये इमेज है ये क्या करेगा। तो यहाँ पर ये सारे के सारे स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स जो है आपको नजर आते हैं, आप इसमें से कोई सा भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट उठाएं और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें और उसको इंसर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे क्लिक किया है तो ये आपके पास एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट आ गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी आपके पास आ सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी यहाँ पर लाहौर है और यहाँ पर कराची है, यहाँ पर मुल्तान है, यहाँ पर सिटी है, ये टाउन है, कुछ भी लिख सकते हैं, ये पाकिस्तान हो गया, ये कंट्री हो गया।
और अब आप इसके ऊपर कुछ अगर हाईलाइट करना चाहें आप हाईलाइट कर सकते हैं, आपके पास डिफरेंट कलर्स हैं आप कलर यूज कर सकते हैं, जैसे ये कलर्स मैंने यूज किए, आप कलर्स यूज कर सकते हैं, मल्टी कलर्स यूज कर सकते हैं जैसे ये है, और इसको आप 3D का जो है वो लुक दे सकते हैं। मैं यहाँ पर F5 प्रेस करता हूँ, तो शिफ्ट F5 प्रेस करता हूँ तो वो सिर्फ यही आपके पास ऑन होगा, शिफ्ट F5। तो आप जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं उनको जो यूज कर सकते हैं। जी बात क्लियर हो रही थी आप लोगों को शबीर साहब? जी सर बिल्कुल हो रही है। जी करीम बख्श साहब आपको? जी करीम बख्श साहब आपको? जी बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है जी, ठीक हो गया जी। एक्चुअली इसमें मेजोरिटी जो बेसिक चीजें उनका तो कॉन्सेप्ट आपको है, लेकिन जो डिफरेंट चीजें वो मैं आपसे शेयर कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ ताकि हम कुछ और एरिया जो है वो कवर कर लें। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जब आप काम करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हमारे पास मुख्तलिफ जैसे कि ऑब्जेक्ट उसके फीचर्स हैं। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है या ये फीचर है ये बहुत ही यूजफुल है, वो है ये पिक्सन कैरेक्टर्स और ये पिकेट इमेजेस। ये आप इसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं फॉर द ब्यूटी फॉर द मोर प्रोफेशनल वे टू हैंडल द थिंग्स। ये इसकी एक्सटेंशन हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम इस इमेजेस को मैं इसे क्लिक करता हूं ताकि आपको जरा बात क्लियर हो जाए। ये मैं इमेजेस को क्लिक कर रहा हूं। अच्छा, पहले अकाउंट साइन इन करना चाह रहे हैं, अगर हो जाता है जल्दी से। ये कौन सा करूंगा, ये क्यों नहीं आ रहा इसमें? मेरा ख्याल है इसमें साइन अप करना पड़ेगा मुझे और फिर वेरीफाई करवा रहा है वो।
चलें वापस आते हैं। एक्चुअली पिक्सिट जो है ये हमारे पास एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर बेशुमार किस्म के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको बिल्ट इन मिल जाते हैं। आपने इसको साइन अप करना होता है और इनिशियली जो है ये तकरीबन 10-20% अपने जो फीचर्स हैं और डिफरेंट किस्म के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। लेटर ऑन जो है आफ्टर 7 days और 15 days जो है आपको उसको बाय करना पड़ता है। तो ये हमारे पास इसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम इसको उठा लेते हैं और यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये ऑलरेडी हमारे पास बने हुए हैं, हम इनको भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम एक बात और करते हैं कि रिहर्स टाइमिंग इसमें हमारे पास आती है। जब हम काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर तो सम टाइम हमें ये करना पड़ता है कि हमने अपने प्रेजेंटेशन जो है उसको वॉइस ओवर करते हैं और वॉइस ओवर करके हम सेंड कर देते हैं अपने कंसर्न पर्सन या डिपार्टमेंट के पास। उनका काम होता है सिर्फ इसको प्ले करना, क्योंकि उसके ऊपर कमेंट्री भी हम खुद करते हैं। ये रिहर्स टाइमिंग कैसे करते हैं और कैसे होती है ये हम इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर 12 स्लाइड्स अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर आकर इसकी रिहर्स टाइमिंग जो है वो स्टार्ट करता हूँ। रिहर्स टाइमिंग के बारे में मैं दोबारा बता दूँ, पहले आपने इसको कम्प्लीट डिजाइन कर लेना है। जब कम्प्लीट डिजाइन कर लेंगे उसके बाद जो है ये सारा काम होगा और आपके हर एक जो प्रेजेंटेशन होगी उसकी वो टाइमिंग ऑटोमेटिकली सेट करेगा। और अगर आप उसके बाद भी इसको एडजस्ट करना चाहें आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्लाइड शो में आते हैं और स्लाइड शो में अगर आप देखें यहाँ पर लिखा है रिहर्स टाइमिंग, कि आप हर एक स्लाइड की एक टाइमिंग जो है वो सिलेक्ट कर लें। मैं इसे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो मेरे पास टाइम स्टार्ट हो चुका है पहली स्लाइड के ऊपर। मैं पहली स्लाइड के ऊपर बात करूंगा, उसके बाद मैंने स्पेस बार प्रेस किया तो अब ये दूसरी स्लाइड आ गई। अब मैं दूसरी स्लाइड के ऊपर बात करने शुरू कर दूंगा। आफ्टर पासिंग फ्यू मिनट्स और सम सेकंड्स मैं इसके बाद नेक्स्ट कर दी, इसके बाद मैंने इसको भी नेक्स्ट कर दिया। तो आप ऊपर देखेंगे तो इस स्लाइड का जो टाइम है वो अभी तकरीबन 3 सेकंड हुआ है। वैसे टोटल टाइम जो हो गया वो 24-25 सेकंड हो गया स्लाइड शो का। इसी तरह से इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन करने के बाद ये आगे चला जाऊंगा, फिर इसके एक्सप्लेन करूंगा, इसको आगे ले जाऊंगा, फिर मैंने इसको एक्सप्लेन किया, इसको भी मैंने आगे मूव कर दिया। तो इस तरह से ये जो काम है वो मैं करता जाऊंगा और मेरी सारी की सारी स्लाइड्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। जब ये मेरी स्लाइड कंप्लीट हो जाएगी तो ये फिर मुझे जो है इसको पूछ लेगा कि ये कंप्लीट हो गया, तो हम इसको मूव ऑन कर दें, इसको सेव कर लें। ये मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ रैंडमली और यहाँ पर डू यू वांट टू सेव टाइमिंग, मैंने कहा जी बिल्कुल आप जो है इसकी टाइमिंग सेव कर दें। ये इसकी मैंने टाइमिंग सेव कर दी। अब ये दरअसल इसकी टाइमिंग जो है वो सेव हो चुकी है। इसकी टाइमिंग सेव कैसे होगी हमें इसका पता करना चाहिए, तो हम यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर व्यू पे दोबारा क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये पहली स्लाइड है इसका टाइम जो है वो 8 सेकेंड है, इसका भी 8 सेकेंड है, इसका 2 सेकेंड है, इसका 9 सेकेंड है, ये नीचे लिखा हुआ आ रहा आपके पास, इसका 4 सेकेंड है, इसका 2 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, 5, 4, 3, 4, इस तरह से इसकी टाइमिंग है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, F5 करता हूँ शिफ्ट के साथ, ये मैंने F5 किया तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली जो है चलना शुरू हो जाएगी। अब मैं बजाय मैं इसमें कोई चीज प्रेस करूँ या ना करूँ, ये 8 सेकेंड या 10 सेकेंड के बाद जो है ये नेक्स्ट स्लाइड, जितने सेकंड एक स्लाइड के ऊपर रजिस्टर्ड हुए हैं या रिकॉर्ड हुए हैं या सेव हुए हैं उतने ही सेकंड जो है ये चलाएगी और इन सेकंड्स को चलाने के बाद इसने नेक्स्ट स्लाइड पे जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं जी रिहर्स टाइमिंग। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, मैं उसको भी अभी डिस्कस कर लेता हूँ। ये इसको लेट इट फिनिश। इसकी जो एग्जीक्यूशन है ये एग्जैक्टली 1 time होगी आफ्टर कंप्लीशन द प्रेजेंटेशन, तो आप देखेंगे कि ये रुक जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको आप किसी बहुत बड़े डिस्प्ले के ऊपर लगा दें और वहां पर कोई ऑडिटोरियम में जो कंटिन्यूसली लोग आए वो देखते जाएं और ये उतनी देर तक देखते जाएं जब तक कि ये लैपटॉप चल रहा है या कंप्यूटर चल रहा है। अब आप देखें ये रुक गई है, 12 slides कंप्लीट हो गई है, अब ये रुक गई है। और अगर आप इसको कंटिन्यूस रन करना चाहते हैं उसका भी तरीका हमारे पास है, वो भी मेथड हम इसमें करते हैं। रिहर्स टाइमिंग में अगर आप यहाँ पर आते हैं तो
सॉरी, ये रिहर्स टाइमिंग हमारे पास ऑलरेडी है, ये रिकॉर्ड हो गया मेरे पास, और सेटअप स्लाइड शो, ये सेटअप स्लाइड शो में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर है शो ऑप्शन और ये है लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप। जब मैं इसे क्लिक कर ओके कर दूंगा, अब ये बंद नहीं होगी, अब ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी। मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ डिलीट कर देता हूँ ताकि ये कंटिन्यूसली चलती हुई हमें नजर आए। इसको भी डिलीट कर देता हूँ, टोटल 5 है। अब मैं जब इसको F5 प्रेस करता हूँ फंक्शन के साथ, तो आप देखिए फर्स्ट स्लाइड है आपके पास, इसके टाइमिंग भी मैंने कम करनी थी, वो मैं टाइमिंग कैसे चेंज करते हैं मैं अभी वो भी आपसे डिस्कस करता हूँ। ये स्लाइड नंबर 3 है, राइट साइड पे हमें नजर आ रहा है, ये 4 है, ये स्लाइड नंबर 5 है, और इसके बाद ये अब ये बंद नहीं होगा, ये फिर दोबारा से स्लाइड 1 है, ये देखिए फिर स्लाइड 1 आ गई, ये अब रुकेगा नहीं अंटिल अनलेस मैं इसको स्केप ना करूं, ठीक है। तो ये स्लाइड सेटअप शो जब आप करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन होती है लूप अंटिल एस्केप, तो ये मुख्तलिफ एनेबल की होती है। मैं इसको वापस लेके आता हूँ, मैं इसकी टाइमिंग के ऊपर बात करता हूँ, जब मैं टाइमिंग की बात करता हूँ तो ये ट्रांजिशन के ऊपर बात आती है। अगर हम यहाँ पे ट्रांजिशन की बात करते हैं, क्योंकि हर स्लाइड के बाद नेक्स्ट स्लाइड में जो टाइमिंग है वो यहीं पर है, अगर आप यहाँ पे देखें ये इसका टाइम है 8 सेकेंड, यानी कि 7.88 सेकेंड है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आपसे कहें जी इसको सिर्फ 5 सेकेंड करना है, तो आप यहाँ पर आकर 5 सेकेंड कर दें और एंटर प्रेस कर दें, तो इसका टाइम जो है देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। उसी तरीके से जब मैं यहाँ पर आता हूँ इसकी टाइमिंग भी तकरीबन इतनी है, तो हम कहते हैं जी 00:05:00, तो ये तो ज्यादा हो जाती है, ये 5.0, ये भी 5 सेकेंड है इसके। तो आप इनकी टाइमिंग जो है वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब आप इसकी टाइमिंग चेंज कर लेंगे, अब मैं जब F5 प्रेस करता हूँ तो ये F5 जो है वो उसी तरीके से, अगर मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पर तमाम स्लाइड को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है जी, और इसके बाद इसकी टाइमिंग जो है वो करता हूँ जी 2.0 सेकेंड, और इसको मैं करता हूँ जी अप्लाई। जब अप्लाई कर दूंगा, अब मैं F5 प्रेस करता हूँ तो आप देखिए हर स्लाइड जो है वो 2 सेकेंड्स के बाद जाएगी, 1, 2, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, हर स्लाइड 2 सेकेंड्स के पास जाएगी। अब ये मैंने इसकी रेस्टिंग जो है वो रीसेट कर दिया और उसको फिक्स कर दिया किसी एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के साथ, वो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह से आप इसकी जो है रियर स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, और इसमें जो इसके जो रिसोर्सेज की बात अगर आप करें तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल है। आप थीम फॉरेस्ट पे चले जाएं और थीम फॉरेस्ट पे जाकर आप बेशुमार इस तरह की स्लाइड्स और इसके प्रोफेशनल टेम्पलेट्स जो है वो उठा सकते हैं। ये जो हमारे पास है इस वक्त ये एक टेम्पलेट है, और उस टेम्पलेट के में जो लेआउट्स हैं वो सारे के सारे ये है, ये मुख्तलिफ लेआउट्स हैं, तो इन लेआउट्स को पहले इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसके ऊपर डमी टेक्स्ट रखा जाता है और फिर उसको अपलोड किया जाता है फॉर द यूजर। तो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, बार बार इसको डाउनलोड करते हैं, उनके क्रेडिट्स भी बढ़ते हैं, और अगर ये किसी पेड वेबसाइट पर पड़े हों तो फिर उसमें डेफिनेटली उनका एक इनकम जो है वो जनरेट होने की वजह जी। नेक्स्ट इसमें हम ये बात करते हैं कि अगर मैं किसी स्लाइड के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्लिक के बगैर ही आगे जाना है, फर्स्ट करें मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एक बटन रखता हूँ और उस बटन को क्लिक करने से मैं स्लाइड नंबर 7 यहाँ पर आना चाहता हूँ। चलें जी यहाँ पर आ जाता हूँ, इंसर्ट करके कुछ वर्ड टेक्स्ट जो है,
ये मेरी एक स्लाइड शो है ट्रांजिशन पे जाकर ऑन क्लिक करना है और ये आफ्टर खत्म कर देता हूँ कि अब मैं क्लिक करूंगा तो ये मूव करेगा, किसी की भी कोई टाइमिंग नहीं। अब मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर मैं एक बटन को ऐड करता हूँ, बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मुझे स्लाइड नंबर 7 पे, ये स्लाइड जहाँ पर वेलकम लिखा है यहाँ पे चली गई, यहाँ पर लाना है। उसका तरीका क्या है, बहुत सिंपल है। आप इंसर्ट में जाएंगे, सबसे पहले ये जहाँ पर आपने बटन रखना है ये इंसर्ट पे गए और यहाँ पर आप क्या नाम है बटन को इंसर्ट कर दें। एक बटन में बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने एक बटन बना लिया और अब इसके ऊपर मैं जो है वो एक्शन जो है वो परफॉर्म करता हूँ। एक्शन परफॉर्म करने के लिए इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर मेरे पास एक एक्शन, ये एक्शन परफॉर्म, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है, इसे क्लिक किया है, ये कहता है जी इसके इस एक्शन इसको क्लिक करने से क्या होगा, इसको क्लिक करने के स्लाइड लिंक टू कहाँ पे जाना है, स्लाइड नंबर 7 पे, स्लाइड का नंबर है स्लाइड नंबर 7, ये 7 है, ठीक है जी, ओके कर देता हूँ जी मैं, नहीं ये तो थैंक यू पे है, ये है स्लाइड नंबर 7, मैं ओके कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब मैं जब यहाँ पर F5 प्रेस करता हूँ तो ये मेरी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई। अगर मैं कोई भी क्लिक प्रेस करता हूँ तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ इस तरह से, लेकिन फर्ज करें मैं यहाँ पर हूँ और मैंने आकर यहाँ पे क्लिक कर दिया, मैं जो ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली जंप कर दूंगा 7 नंबर पे, ये देखें ये 7 नंबर पे आ गया। तो इस तरह से हम लिंक जो है वो यहाँ पर कॉल कर लेते हैं और हम वहां से जंप कर सकते हैं। इसका तरीका ये होता है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक वेबसाइट, ये एक मेरे पास स्लाइड है और वहां पर एक कोई मशीन पड़ी हुई है, तो मशीन के ऊपर ये बताया जाता है कि ये इसका ऑन ऑफ कहाँ पर है या फिर इसका टैंक कहाँ पर है, इसकी बैटरी कहाँ पर है, इसके इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कहाँ पर है, तो आप उसकी सारी एक डायग्राम बना दे। तो अगर इन द मीन टाइम कोई पर्सन आपसे पूछ लेता है तो आप क्या करते हैं, उस स्पेसिफिक जगह का एक लिंक जो है किसी भी स्लाइड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो आप जब उसे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे चला जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हूँ तो मैं कहता हूँ जी मैं अगर यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा तो ये वहां पे जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो ये है नेक्स्ट, दूसरा प्रीवियस। प्रीवियस का मतलब है 6, लेकिन अगर लास्ट व्यूड की बात करेंगे तो वो कहेगा ये तुम जिस स्लाइड से जंप करके यहाँ पर आए हो आप वहां पे चले जाओ। ये मैंने इसे क्लिक किया तो देखें ये फर्स्ट पे वहां पे चला गया। और इसके अलावा अगर आपको वैसे ही मूव करना हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसकी स्लाइड्स को भी व्यू कर सकते हो, सी ऑल स्लाइड, ये देखें सारी स्लाइड्स वो आपको दिखा देगा। आप यहाँ से कहीं पे भी कंपैरिजन को क्लिक करें आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे, आप होम को प्रेस करेंगे आप फर्स्ट पे पहुंच जाएंगे, आप एंड को प्रेस करेंगे आप लास्ट पे पहुंच जाएंगे, आप यहीं पर जो है सारा का सारा जो मूवमेंट है नेविगेशन जो है उसको हैंडल कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट में ये वाली चीजें जो है इसको हम काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि हमें इस तरह की नेविगेशन और कस्टमाइजेशन जो है वो जरूर आनी चाहिए ताकि किसी भी तरह से हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको प्रॉपरली हैंडल कर सकें। जी जो अभी तक मैंने आप लोगों से डिस्कस किया उसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। जी क्रीम बक्सा, मेरे ख्याल आप तो लगता है आप लंच कर रहे हैं अभी। नहीं नहीं मैं लंच नहीं कर रहा, मैं सुन रहा हूँ आपके सारे प्रेजेंटेशन को, ठीक है अब तक तो ठीक है। आप में से कोई ऐसा पार्टिसिपेंट है जिन्होंने आज तक कभी कोई प्रेजेंटेशन बनाई है, अगर बनाई है तो जरा वो हैंड रेज करते ताकि मुझे पता चले किस किस ने आज तक कभी बनाई। आप में से किसी ने आज तक प्रेजेंटेशन नहीं बनाई थी? इरफान चौकस साहब ने किया है, अली बनाई है सर।
मैंने भी बनाई है। साहब आपने नहीं बनाई? बनाई है सर, बहुत बनाई है। नहीं, प्रेजेंट भी की है? ऑपरेशनली सर। अच्छा जी, हसन साहब ने बनाई है, चले काफी लोगों ने बनाई है। ऑब्जेक्टिव इसमें सिर्फ ये होता है कि ज्यादा प्रोफेशनली अगर आप इसको लाना चाहते हैं तो फिर आपके पास मटेरियल बहुत ज्यादा होना चाहिए, और उसके साथ साथ आप ये इतना लंबी भी नहीं होनी चाहिए कि 50 पेजेस 50 स्लाइड्स की आपने प्रेजेंटेशन बना लिया और उसके बाद सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से या तो एंड प्रेस हो जाए या फिर कुछ हो जाए ताकि हम यहाँ से फारिग हो जाए। तो हमें इसके ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए कि आपके पास प्रेजेंटेशन के जो भी मैटर हो, जो भी आपके पास उसका टेक्स्ट हो या इमेजेस हो या इंफॉर्मेशन हो, उसको बहुत सीरियसली और बहुत ज्यादा प्रोफेशनली अरेंज करना चाहिए और प्रेजेंट करना चाहिए। जैसे अभी आप देखिए यहाँ पर जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, टेम्पलेट एडिटिंग इंस्ट्रक्शंस एंड फीडबैक, ये काफी बड़ा लिखा हुआ नजर आ रहा है, दिस इज गुड। यानी कि आपने पूरे का पूरा अगर सेंटेंस है तो उसके पॉइंट्स ना लिखने, एक पेज के ऊपर 15 पॉइंट्स लिखे हुए और आप उसको पढ़ना शुरू कर दें, किसी को कोई नजर नहीं आ रहा और आप बोली जा रहे हैं, इस तरह की प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो वो एक फेलियर है। आपने हर एक पॉइंट का एक हेड बनाए, उसकी डिटेल अपने हाथ में रखें और उसके रिलेटेड जो भी बोलना है अपने मुंह से, अपने खुद से वो बोलें आप, बजाय ये कि आप लोगों को कहेंगे ये पढ़ना शुरू कर दें आप। तो हर एक जो आपके पास टेक्स्ट है उसको प्रॉपरली समराइज करके उसको प्रिसाइज करें और फिर आप उसको जो है आगे मूव करें। और फाइनली हम जो इसमें काम करते हैं, जो मैंने पहले बताया था कि भी अगर आपने यहाँ पर इसके लेआउट के ऊपर काम किया है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हर तरह का काम जो है वो इजीली डिजाइन कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। मेन काम जो है आपके लेआउट मैनेजमेंट का है, और जो ही आपने इसके लेआउट बना लिए, फाइनल कर लिए, दैट्स इट, आपका काम ऑलमोस्ट 80% to 70% to 80% काम कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ जो मटीरियल है उसको आपने प्लेस करना है और बात करनी शुरू। जी हसनैन अयूब साहब, हसनैन साहब सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी जी सर, आपने कुछ मेरा हाथ उठाया था बात करने के लिए या वैसे आप हाथ ऊपर लेके गए थे आप? नहीं नहीं सर, वैसे। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा जी, हम वापस आते हैं जी हम इसके ऊपर। हमने यहाँ पर जो एक काम किया है वो ये है कि हमने ट्रांजिशंस के ऊपर बात की है कि एक पेज स्लाइड से दूसरी स्लाइड के ऊपर जो मूवमेंट है वो उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। उसकी जो अपीयरेंस है उसको आप किसी भी तरह से फॉर्मुलेट कर सकते हैं और उसको आप प्रॉपरली व्यू करवा सकते हैं। इसमें ज्यादातर जो काम किया जाता है वो काम किया जाता है जी आपकी एनिमेशन का। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर जरा वर्कआउट करवा देता हूँ आपको, ताकि आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाए इससे। हम यहीं पर आते हैं जी। अगर आप यहाँ पर देखिए, मैं इसमें कोई एनिमेशन अगर लगानी है तो आप इसको एनिमेशन आप लगा सकते हैं। मैंने इसे क्लिक किया है और एनिमेशन में जाकर इसको मैंने फ्लाई इन कर दिया है। शुरू में मैंने एक ओवरव्यू दिया था, जब आप फ्लाई इन कर दिया तो यहाँ पे ये एक्शन आ गया, फ्लाई इन अफेक्ट्स फ्रॉम वेयर। हम इसको ऊपर से ला सकते हैं तो ये फ्लाई फ्रॉम टॉप, ये ऊपर से आएगा। उसके बाद मैंने इसको क्लिक किया, इसको फिर फ्लाई इन किया, लेकिन इसको मैंने कहा ये नीचे से आएगा। और फिर मेरे पास ये ईयर का आ गया, इसको भी फ्लाई इन किया और इसको मैं कह देता हूँ कि ये आपके पास राइट से आएगा, इसको मैं राइट से इधर से ले आता। फिर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को भी जो है मैं एक्सेप्ट करवा लेता हूँ और इसको भी फ्लाई इन करवा लेता हूँ फ्रॉम राइट, फ्लाई इन फ्रॉम राइट। टॉप राइट पे करवा लेता हूँ।
ये मेरी एक स्लाइड जो है वो ओपन हुई है, मैं इसे क्लिक करता हूँ, सबसे पहले ये टॉप से आया है, फिर बॉटम से आया है, फिर राइट से आया है, और ये टॉप राइट से आया है। हमने अगर इसका ऑर्डर चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, आप इसकी एनिमेशन पैन जो है इसको ऑन कर लेंगे। ये मैंने एनिमेशन पैन जो है इसको ऑन कर लिया, और अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये मेरे पास एनिमेशन पैन है। सबसे पहले टाइटल चलेगा, उसके बाद वेलकम टू पाकिस्तान चलेगा, और उसके बाद ये मंथ चल रहेगा। तो मैं अगर इसको चेंज करता हूँ और सबसे पहले ये पिक्चर को उठाकर ऊपर लेता हूँ, तो अब सबसे पहले पिक्चर आपके पास आएगी। ये मैं स्पेस बार प्रेस किया, देखिए सबसे पहले पिक्चर आई, उसके बाद टॉप से, बॉटम से, और ये राइट से। तो मेरे पास जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सिर्फ इसकी ऑर्डर्स के ऊपर होता है, और दूसरा होता है ये एक्शन के ऊपर। मिसाल के तौर पर जब ये फर्स्ट चलेगा तो ये सेकेंड है, तो सेकंड कब चलेगा, इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो ये कह रहा है जी स्टार्ट ऑन क्लिक, ये स्टार्ट ऑन क्लिक के साथ चलेगा। लेकिन अगर मैं इसे कहता हूँ जी स्टार्ट विद प्रीवियस या स्टार्ट विद आफ्टर, तो फिर मुझे क्लिक करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली चलेगा। इसे मैंने इसे क्लिक कर दिया, और अब मैं जब इसको F5 प्रेस करता हूँ तो जो ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो पहले ये चलेगा, इसके साथ ये चलेगा, क्योंकि ये जो ही चला है ये इसके प्रीवियस के बाद चला है। और यही वाला काम मैं नीचे वाले के साथ करता हूँ कि स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, और उसी तरीके से स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस इसको भी कर देता हूँ। अब मैं जब इसको F5 करता हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही दफा क्लिक करना पड़ेगा। जो ही मैं ये क्लिक किया, पहले ये चला, फिर टॉप से, बॉटम से, राइट से, ये इस तरह से हमारे पास आते हैं, और हम इसका कंट्रोल जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी तरह से एक और चीज हमारे पास ये टेक्स्ट है, और ये जो टेक्स्ट है हमारे पास वन टेक्स्ट है, दूसरा टेक्स्ट है, और ये तीन डिफरेंट टेक्स्ट है। मैं इनको फ्लाई इन करवाता हूँ टॉप से, और ये बॉटम से सारे आ गए। जब ये बॉटम से सारे आ गए हैं तो मैं जो फर्स्ट वाला है इसके ऊपर भी कोई एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। ये जो इसकी एग्जीक्यूशन है ये पूरा ऑब्जेक्ट ना है। मिसाल के तौर पर मैं ऑल्ट F5 प्रेस करता हूँ तो ये वेट कर रहा है जी, ये वाला है जी। पहले प्रेस किया ये आ गया, फिर प्रेस किया ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, ठीक है, और ये खत्म हो गया। तो यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो ये है कि मैं कहता हूँ कि जी ये 1-1 है तो इसको और इसको अलग अलग चलना चाहिए, ठीक है। और मैं इसे कहता हूँ जी स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, नहीं इसको ऑन क्लिक ही रखते हैं जी, ये नंबर 2 बन जाएगा, और ये नंबर 3 है, 4 है, 5 है, चलें ये ठीक है। अच्छा जी, इसके ऊपर बात करते हैं जी। हमारे पास ये जो इसकी हेडिंग है ये एज इट इज पूरी की पूरी आ रही है। मैं ये समझ रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, वर्ड बाय वर्ड आ जाए। मैं शिफ्ट F5 प्रेस करता हूँ, चेक करें जरा आप, शिफ्ट F5 प्रेस किया, मैं स्पेस बार प्रेस किया तो पूरी की पूरी वर्डिंग आई है। मैं इसको लेटर बाई लेटर लाना चाह रहा हूँ, तो ये भी पॉसिबल है। आप इसे क्लिक करें और इसकी इफेक्ट ऑप्शंस में चले जाएं। जब आप इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, ये स्टाइल है तो यहाँ पर जो है एज एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसकी इफेक्ट में जाकर ऑल एट वंस है, ये है बाय वर्ड है, बाय लेटर है। अगर मैं बाय वर्ड कर दूंगा तो ये एक वर्ड बाय वर्ड आएगा, ठीक है, और अगर मैं इसको बाय लेटर कर दूंगा, ऑप्शन में गया हूँ इफेक्ट ऑप्शन में, और इसको मैं कहता हूँ जी बाई लेटर, तो ये बाई लेटर आएगा। इसे मैंने क्लिक किया, ओके कर दिया, अब ये लेटर बाई लेटर है। चेक करते हैं जी शिफ्ट F5 प्रेस करके, ये लोड हो गई, और फिर मैंने स्पेस बार प्रेस किया, देखिए ये लेटर बाई लेटर है। तो ये इस तरह से भी लाया जा सकते हैं, हम इनको भी इसी तरह से भी करते हैं कि ये दोनों जो है वो लेटर बाई लेटर आए। राइट क्लिक किया, इसमें इफेक्ट ऑप्शन पे गए, और इसको एट वंस की बजाय मैं बाई लेटर कर देता हूँ। तो शिफ्ट F5 किया मैंने, पहले ये आएगा और उसके बाद देखेंगे ये इस तरह से जो है वो चलना शुरू कर देंगे। इस तरह से कई दफा मैं कुछ कार्टून्स वगैरह पे या टीवी पे भी ये ऑप्शंस आती हैं। बहुत से लोग जो हैं वो इन टूल्स को एज अ मार्केटिंग, एज अ एनिमेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट डिपेंड्स
तो इसमें भी जो कहने का ऑब्जेक्टिव वो यही था कि भी आपने जो भी ऑब्जेक्ट को पे काम करना है उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनको आप एक्सप्लोर करें। जो मैंने आपको अभी ट्रेनिंग दोनों चीज़ों की आपसे शेयर की है, वर्ड की और पावर पॉइंट की, अगर आप इंटरनेट पे जाते हैं तो इंटरनेट के ऊपर बेशुमार रिसोर्सेज पड़े होंगे, स्पेशली यूट्यूब के ऊपर, कि आप स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग या एडवांस ट्रेनिंग वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। हमारी इस ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव ये था कि यू कैन कम्युनिकेट विद द इंस्ट्रक्टर, जबकि वो वाली ट्रेनिंग जो होती है उनको वहाँ से ट्रेनिंग लेना थोड़ा मुश्किल है, अनटिल अनलेस के आप खुद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस ना कर रहे हो, आपको बहुत ही ज़्यादा उसकी ज़रूरत ना हो। अदरवाइज ये जो ट्रेनिंग में हम आपको दे रहे हैं या फिर अभी जो चल रही है उसमें यह है कि आपकी इंट्रैक्शन है, यू कैन कम्युनिकेट विद योर इंस्ट्रक्टर। और अगर इसी तरह के क्वेश्चन आप YouTube पे ऊपर या फिर डिफरेंट किस्म की और वेबसाइट्स हैं वहाँ पर प्लेस करते हैं तो किस्मत या नसीब है कि आपका कोई क्वेश्चन का कोई रिप्लाई दे दे, तो अदरवाइज दे डोंट टेक एनीथिंग सो मच सीरियस, दे सेड ओके हमें विजिट्स मिल गए हैं, दिस इज ओके फॉर अस, और वो उसको एज इट इज जो है वो मूव ऑन कर रहे होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लीजिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जिस तरह एक होता है ना मैनुअल होता है किसी चीज के लिए, अब जितने हम शॉर्ट टाइम में ये कीज सीख रहे हैं ना, ये सारी की सारी कीज जो है प्रैक्टिस के साथ ही आप इसे यूज टू होते हैं, तो अगर हमें एक चीज भूल जाती है या स्किप हो जाती है तो सर वो मैनुअल मिल जाए या हमें जो चीज करनी है तो उसमें से बंदा उसको रिफ्रेश कर सके। ठीक है, इस तरह से जितना भी इनको हम ऑनलाइन बैठे हैं जूम पे बैठे हैं, चीजें सारी इंटरेस्टिंग है और यूज वाली है ना, डेली यूज वाली है, तो अगर हम कुछ स्किप करें तो हमारे पास कोई ऐसा टूल हो कि हम वहां से इसको देख के तो इसको कर सके ना, ऐसी प्रपोजिशन हो सकती है सर वो कैंडी कार्ड जी। आंसर एक्चुअली ये बात आई थिंक इन द बिगनिंग जो है एक खातून ने अभी एक मिस ने कहा था, वो ये कि ये जो हमारा सेशन चल रहा है हम जो है इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो सुहेल साहब जो हैं आपके जो इंस्ट्रक्टर जो हैं वो आपको ये शेयर करवा देंगे, आप लिंक आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको आपसे शेयर की कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और वर्ड और एक्सेल और इसके अलावा दूसरी भी टेक्नोलॉजीज जो हैं इनके ऊपर अगर कोई ट्रेनिंग आपको एक्सटेंसिवली ट्रेनिंग चाहिए तो वो आपको यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है और इसके अलावा थीम फॉरेस्ट के ऊपर भी अवेलेबल है। ठीक है, और डिफरेंट वेबसाइट्स और भी हैं जहाँ पर ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो दिस इज़ अप टू यू कि भी आप उसके ऊपर किस लेवल तक जाके काम करना चाहते हैं। तो इस ये जो आज हमारा ट्रेनिंग सेशन हुआ है वर्ड का और पावर पॉइंट का, इसकी जो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी इसकी भी रिकॉर्डिंग इस वक्त हो रही है, अगर हम मैं नीचे देखूं तो हमारा क्लाउड के ऊपर एक रेड डॉट आ रहा है जिसमें इसका मतलब है कि रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चल रही है। जी कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। जी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। सर ये पूछना है कि जब आप प्रेजेंटेशन की ये स्लाइड बनाते हैं तो उसमें सम टाइम जो लोगो होते हैं उसको फिक्स कर लिया जाते हैं कोई डिपार्टमेंट वगैरह का, वो लोगो बनाना हो तो वो कैसे बना सकते हैं हर तक सारी स्लाइड पे वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाए? जी अच्छा जी, एक्चुअली ये वाला जो काम है सलीम साहब ये हम यूज करते हैं जब हम यहाँ पर होम में लेआउट पर काम कर रहे हो। मिसाल के तौर पर लेट से कि मैं एक लोगो जो है वो पिक करता हूँ, कोई सा भी लोगो मेरे पास लोगो है, मैं वहां से कोई पिक कर लेता हूँ और उसको मैं अगर तो मैं लोगो स्लाइड पे रखूंगा तो ये वो यहाँ पर आएगा और किसी जगह पर नहीं आएगा। चेक करके बताता हूँ, मैं इंसर्ट में जाता हूँ और पिक्चर पे जाता हूँ, ठीक है, और डिवाइस से मैं लोगो उठा लेता हूँ क्योंकि वो नहीं तो बड़ा वो तंग करता है जी। ये टेम्पलेट है हमारे पास वर्ड के ग्रुप्स है इमेजेस, ये मेरे पास एक लोगो है जी, ठीक है जी, मैं इस लोगो को यहां पर रख देता हूं जी।
एक तो तरीका ये है कि मैं इसको यहाँ पे रख दूँ और कंट्रोल सी कर लूँ और फिर दूसरी वेबसाइट इस पे जाऊँ और यहाँ भी जाकर इसे क्लिक करूँ और कंट्रोल वी कर दूँ, यहाँ भी आ जाएगा। तो ये जो काम है ये कुछ बेहतर नहीं है, क्योंकि फर्ज करें अगर आपके पास 25-30 स्लाइड्स हैं तो ये काम बड़ा मसलेदार। तो हमारा काम इसमें इस तरह से क्लियर हो जाता है कि जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम यहाँ पर लेआउट में आकर ये जो व्यू में, व्यू मास्टर में, स्लाइड मास्टर में हम वो जो लेआउट है वो यहाँ पर रखते हैं। मैं कंट्रोल वी करता हूँ, देखिए यहाँ पर आ गया। और उसके बाद मैं जब ये दूसरी वेबसाइट था इसको यहाँ पे भी एक दफा रख देता हूँ, और ये स्लाइड किस पे है, ये स्लाइड नंबर 3 पे यूज हुआ है, मैं इसको भी कर लेता हूँ। ये स्लाइड कहाँ पे इस्तेमाल हुई है, स्लाइड नंबर 5 पे हुई है, इस पे भी कर देता हूँ। मैं यहीं पर रखूंगा और ये स्लाइड चेक करता हूँ किसी पे हुई है, स्लाइड 6 पे हुई है, यहाँ पे कर देता हूँ। इसको मैंने सेव किया है, सेव करने के बाद मैंने यहाँ से इसको क्लोज किया है। अब मैं जब F5 प्रेस करता हूँ तो आप देखिए ये यहां पर मेरे पास आ रहा है। इस ये स्लाइड पे मैंने नहीं रखा तो इधर नहीं आया। अगर आप यहाँ पर आते हैं इन स्लाइड्स के ऊपर और आप इसको क्लिक करने की कोशिश करते हैं, ये क्लिक नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि ये इस स्लाइड पे नहीं पड़ा, इसके टेम्पलेट पे पड़ा हुआ है। आमतौर पर जो स्लाइड डिजाइन की जाती है वो हमेशा इसी तरह से की जाती है, उसमें 2 या 3 टेम्पलेट होते हैं, उसमें चलता है। क्योंकि ये इंटरनेशनली उन्होंने अपलोड करनी थी तो इसलिए उन्होंने इसमें ना बहुत से इसके टेम्पलेट्स बनाए। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं, कोई नई स्लाइड आप यहाँ पर लेकर आते हैं, फर्ज करें ये वाली स्लाइड ले आए, आप जो ही इसका लेआउट चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो आप देखें साथ ही इस पे वो आपके पास लोगो आ गया। मैंने लोगो इस पे नहीं लगाया, सिर्फ टेम्पलेट स्लाइड मास्टर को चेंज किया और उसके ऊपर लोगो आ गया, ये इस तरह से, ठीक है। और उसी तरह से मैं अगर इस पे लाता हूँ तो इस पे ये इसका लोगो था ही नहीं, तो ये यहाँ से निकल। तो आपसे जो कहने का मकसद ये है कि जब आप यहाँ पर व्यू में आएंगे, स्लाइड मास्टर में आएंगे, तो ये है वो स्लाइड मास्टर जहां पर आप जो काम करेंगे वो तमाम की तमाम स्लाइड्स के ऊपर नजर आए, बजाय ये कि इंडिविजुअल स्लाइड्स पे जाए और फिर वहां पे काम करना शुरू करें। थैंक यू। कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सॉरी क्या पूछा आपने जी? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, इसमें हाइपरलिंक का कुछ अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दें। ये हाइपरलिंक हमने यहाँ पे लगाया तो था, यहाँ पे ये सबसे पहले ये जो लिंक है आपके पास, ये दरअसल हाइपरलिंक ही है। यहाँ पर जब आप लिंक लगा देते, जी बोले बोले। अगर हम कुछ मतलब किसी और, जैसे एक्सेल में हमारे पास कुछ डाटा है तो वो शो करना चाह रहे हैं तो एक्सेल की शीट का वो कैसे लगाएं? अच्छा, उसका तरीका ये कि आप जो इंसर्ट करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके इंसर्ट है और इंसर्ट में ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है जी? जी जी। जब आप ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे ये आपको आपसे पूछेगा ये आपने किस किस्म का ऑब्जेक्ट है। ये देखिए यहाँ डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट है, ये आप एक्सेल की शीट का आपने कर दिया। अब मैं ओके करता हूँ, ये मैं पावर पॉइंट ऑन करके बैठा हुआ हूँ, तो आप देखिए साथ ही इसने बीच में एक्सेल ऑन कर दिया, ठीक है। ऊपर जो मेन्यू वगैरह सारे वही है, यहाँ पर मैं सीरियल नंबर लिखता हूँ जी, यहाँ पे नेम लिखता हूँ जी, यहाँ पे सैलरी लिखता हूँ जी, और उसी तरीके से मैं यहाँ पर आपके जो सारे फार्मूला लगेंगे मैं लिखता हूँ जी सम, ये सब्स्टिट्यूट सब कुछ आ रहा है, ठीक है।
और फिर उसके बाद आप इसको क्लिक करके ऐसे नीचे ले जाएं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते वो आ गया। सब कुछ आप एक्सेल का काम कर लेंगे तो आप यहाँ पर आकर उसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दें तो पूरी एक्सेल यहाँ पर आ जाएगी। जब आप कंप्लीट कर लें, आप ऐसे क्लिक करें तो आप देखें यहाँ पर एक्सेल शीट इसी तरह से नजर आए। ठीक है जी सर, इसमें इसको एडिट करना है, आप इसे क्लिक करें दोबारा से, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। आप कहते हैं मुझे इतनी ज्यादा वो रोज एंड कॉलम नहीं चाहिए, आप इसको पकड़ कर थोड़ा सा छोटा कर लें इस तरह से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें आप सिर्फ इतना सा रह गया। आप इसको थोड़ा सा इसका व्यू भी बड़ा कर सकते हैं, इसको डबल क्लिक किए बगैर, ये बड़ा आपने कर लिया, लेकिन डबल क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल बन जाएगा। इसे बोलते हैं OLE, ऑब्जेक्ट लिंक एंड एम्बेडेड। ये एक ऑब्जेक्ट है जो लिंक भी हुआ है एक्सेल के साथ और एम्बेड भी हुआ है। और आप देखें मेरे पास नीचे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहीं भी ऑन हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको नजर आ रहा है, और कोई चीज नजर नहीं आ रही। ये जब आप इसके अंदर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट उसको उठा के ले आएगा एक्सेल को। नहीं सर, मैं कुछ और कहना चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज के टोटल सेंटर्स हैं 30, अगर कोई बंदा देखना चाहता है कि जी सरगोधा डिवीजन में कितने हैं, तो सरगोधा डिवीजन में हमारे पास हैं 7, तो कहाँ कहाँ पे उसकी डिटेल जो है वो एक एक्सेल की शीट बनी हुई है उसमें अवेलेबल है। अब हमने मेन पे तो बता दिया कि हमारे पास 30 टोटल सेंटर्स हैं, लेकिन 7 जो है वो सरगोधा में है, वो कहाँ कहाँ पे उसकी डिटेल अगर कोई देखना चाहता है तो हम प्रेजेंटेशन में हम वहां उसकी डिटेल वाली फाइल में जाएंगे, तो वो कैसे हम उस फाइल को फौरी क्लिक करके उनको बता सकते हैं कि जी ये यहाँ यहाँ पे ये है हमारे पास सेंटर। अच्छा, फिर इसका तरीका ये नहीं है जो अभी मैंने एक्सेल को एम्बेड किया, फिर इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा, आपको यहाँ पर इंसर्ट एक्सेल की शीट दोबारा से करनी पड़ेगी। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जी। ठीक है जी, और इसके लिए होगा ये कि आप जब इंसर्ट में आते हैं ये टेबल को आप इंसर्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और उस टेबल के ऊपर बनाएंगे आप चार्ट। मैंने ये टेबल इंसर्ट कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें 3 कॉलम कर लिए, ये 3 कॉलम करने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ लिखा जी, जैसे कि सिटीज टैब प्रेस किया, और उसके बाद सेंटर्स, और उसके बाद ये कर दिया उसकी पोजीशन, कुछ भी कर दिया जी जी। ठीक है, और इसी तरह से मैं कुछ सिटी 1 सिटी 2 जी, बल्कि इसे आप इसकी बजाय आप सीधा आप कंट्रोल एक्स कर इंसर्ट में आते हैं तो यहां पर आप चार्ट के ऊपर आए और चार्ट में ये चीज बनाए। ये इस तरह से चार्ट बनाए, यहां पर आप देख सकते हैं कि अपना Q1 है आपके पास, Q1, ये Q2 है और ये Q3 है। और इस तरह से आप कुछ और भी इसमें कर सकते हैं कि तो ये हमारे पास इस तरह से ये कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब आप जब इसे क्लिक करते हैं तो आप यहां से इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं कि जी मुझे फिल्टर में जो है इसको किसको दिखाना है। क्लिक किया मैंने अभी दिखाता है, आप कह दीजिए ये मैंने क्लिक किया है और यहां से आपने जो सिलेक्ट करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कैटेगरी लाहौर की है, ये देखिए इस तरह से आ रही है, ये कराची की है, ये इस्लामाबाद की है, ये मुल्तान की है, उसी तरह से ये फर्स्ट क्वार्टर, ये फर्स्ट क्वार्टर इस तरह से नजर आ रहा है, ये Q2 इस तरह से आ रहा है ये। और अगर आप कहते हैं कि मुझे यहाँ से Q3 को निकाल ही दें तो आप इसको हाईलाइट करके ऐसे करेंगे जब, तो आप देखेंगे वो उस तरह से आपको दिखा देंगे। ये फिल्टर जो है ये आपको ये इस सिलसिले में हेल्प करेगा जी। राइट सर,
हम ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू फिनिश, तो मैं थोड़ी सी आपको थैंक यू वेरी मच सर. माय नेम मोहम्मद असगर शाह जी और अगर मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो asgar786@gmail.com और मेरा व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर जो है वो यही है जी. अगर आप में से किसी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन कॉल मी, यू कैन लीव द मैसेज एंड इफ आई विल बी अवेलेबल देन डेफिनेटली आई विल कॉन्टेक्ट यू, कॉल यू बैक एंड रिप्लाई योर क्वेरी और एंड दैट्स इट. तो आप ये डिटेल जो है ये नोट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच जी, इट वॉज ऑल ओवर टूडे एंड इट वॉज अ नाइस सेशन. मैंने कोशिश की जी मैं बस जो नॉलेज है मैं आपसे शेयर कर